सब लोग जो है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो बनाने के लिए क्या क्या यूज करता हूँ, ओया का माइक है, ट्राइपॉड दिख रहा होगा मेरा, और जो ये आपको लाइट दिख रही होगी। वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों आज का ब्लॉग जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं अपनी वीडियो बनाने के लिए क्या क्या यूज़ करता हूँ, क्या नहीं। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि नहीं होगा कि जो मेरा ये मेन चैनल है, जो मैं अभी जिस पर वीडियो बना रहा हूँ, ये पहले अगर वीडियो बनाते हैं या फिर रील्स बनाते हैं तो लाइट का यूज़ ज़रूर करें अपनी वीडियो में, या फिर रिंग लाइट का यूज़ करें। अगर रिंग लाइट नहीं है तो फिर इस तरीके से जुगाड़ से आप ऐसी छोटी मोटी लाइट बनाकर अपना काम चला सकते हैं। तो दोस्तों जो मैं इंस्टाग्राम पे रील्स बनाता हूँ, काफ़ी लोग ने पूछा है कि ये बैकग्राउंड ब्लैक कैसे होता है। तो भाई मैं अपनी रील्स में बैकग्राउंड ब्लैक करने के लिए ब्लैक पर्दा यूज़ करता हूँ, तो और मेरे पे ग्रीन कलर का भी पर्दा है जो कि मैं अपनी वीडियो में इफ़ेक्ट VFX डालने के लिए यूज़ करता हूँ। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो की क्लियरिटी चाहिए ना तो बैकग्राउंड में पर्दा बहुत ज़रूरी है। तो मैं एडिटिंग के लिए यूज़ करता हूँ ऐप, वो है काइन मास्टर, जिससे अच्छी खासी एडिटिंग हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा हद तक प्रोफेशनल भी है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे इफेक्ट है, काफ़ी सारे आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएगी उसके अंदर। और अगर आप फ़ोन में एडिटिंग करते हैं तो मैं रिकमेंड ही करूँगा कि आप उसी ऐप से करें। मैं अपनी सारी की सारी वीडियो एडिटिंग काइन मास्टर से ही करता हूँ। तो बस मेरे को आपको यही बताना था कि मैं क्या क्या यूज़ करता हूँ, क्या क्या नहीं करता अपनी वीडियो की क्लियरिटी के लिए। तो दोस्तों आज का ब्लॉग बस छोटा सा था, बस आपको कुछ बताना था। तो दोस्तों मैंने सोचा कि एक छोटा सा ब्लॉग बना लिया जाए, जिससे कि मैं आपको बता सकूं कि मैं किस तरीके से अपनी वीडियो बनाता हूं, किस तरीके से नहीं। और दोस्तों मेरे पास लैपटॉप भी है, बट मैं लैपटॉप यूज़ नहीं करता, बिकॉज़ मेरे को फ़ोन में ही ज़्यादा कम्फर्टेबल अच्छा लगता है एडिटिंग करना, जल्दी भी हो जाता है और टाइम भी बच जाता है। तो दोस्तों आप आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो इस ब्लॉग को लाइक कर देना, कमेंट कर देना आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। तो भाई मिलते हैं किसी और ब्लॉग में किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ब्लॉग्स बनाते रहेंगे और धूम मचाते रहेंगे। गुड बाय।